हाउसफुल 4 के एक पोस्टर में 15वीं सदी के योद्धा के रूप में अक्षय कुमार के हाथ में धनुष है और वो गुस्से में तीर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर पर लिखा है बाला शैतान का साला। अक्षय ने फिल्म के कई पोस्टर्स शेयर किए हैं जिनमें एक्टर्स के लुक और स्टाइल को दिखाया गया है। अक्षय की इंस्टाग्राम पर की गई पोस्ट के मुताबिक फिल्म में 1419 से लेकर 2019 तक की जर्नी दिखाई जाएगी। एक पोस्टर में अक्षय का 1419 का योद्धा वाला लुक और 2019 का कूल लुक है। उसमें 1419 वाले अक्षय 2019 वाले अक्षय का चेहरा दबा रहे हैं। अगले पोस्टर में रितेश देशमुख एक डांसर के लुक में नजर आ रहे हैं। अक्षय ने ट्वीट में लिखा देखिए एक कहानी जो शुरू हुई थी 1419 में मगर खत्म होगी 2019 में। मिलिए वांगडू और रॉय से जो आपको एक मजेदार सफर पर ले जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बॉबी देओल के कैरेक्टर के बारे में बताते हुए लिखा अब मिलिए बहादुरी और साहस की मिसाल धर्मपुत्र से जो 1419 में धर्म बने हैं और 2019 में मैक्स। उन्होंने फिल्म की तीनों अभिनेत्रियों के लुक का पोस्टर भी जारी किया। कृति सैनन सीतमगढ़ की राजकुमारी मधु और लंदन की कीर्ति का किरदार निभा रही हैं, जबकि पूजा हेगड़े राजकुमारी माला और पूजा बनी हैं। और बात करें कृति खरबंदा की तो वो नेहा और मीना का रोल कर रही हैं। अक्षय ने सोशल मीडिया पर फिल्म का मोशन पोस्टर भी शेयर किया जिसमें बताया गया कि ये 1419 से लेकर 2019 तक की कहानी है। फिल्म के पोस्टर्स देखकर लोगों में फिल्म देखने का इंटरेस्ट काफी बढ़ गया है। दूसरी तरफ रितेश देशमुख ने भी फिल्म में अपने कैरेक्टर का पोस्टर शेयर करते हुए ट्वीट किया एक सिक्के के दो पहलू रॉय और वांगडू महाराज जानिए क्या मोड़ लेगी इनकी कहानी। उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ हाउसफुल 4 का मोशन पोस्टर शेयर किया। इन पोस्टर्स को देखकर ऐसा लगता है कि फिल्म की कहानी एक किस्से के दो पहलू की तर्ज पर बेस्ड होगी। बहरहाल अब तक हाउसफुल फ्रेंचाइज की तीन फिल्में पर्दे पर आ चुकी हैं और इन तीनों ही फिल्मों को खूब पसंद किया गया और उनकी कमाई भी जबरदस्त रही। हाउसफुल 4 के पोस्टर देखकर तो लग रहा है कि ये फिल्म पिछली तीनों फिल्मों से भी ज्यादा पसंद की जाएगी। फिल्म को साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया है और इसका डायरेक्शन फरहाद सामजी ने किया है। फिल्म का ट्रेलर 27 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। एंटरटेनमेंट डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस।